और इस तरह बहुत चिल्ला रहा सामाजिक आगेवन बैक कारण बैक टेलर और बहुत बड़ा टूर्नामेंट साथी मित्र हमने तमाम मित्र मंडल साथ स्टेट पर आया कारण बैक टेलर बैटिंग करने तब 35 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं तो पहले कोई टारगेट भाई जंबू सर का कैप्टन मुन्ना का पूरा मास्टर सर जी अभी तो ओके विकेट हर मैच है ना बता अपने एक्चुअली बहुत हार समाप्त तो कर रहा जरा भी मिला नहीं है आगे की मैचेस में थोड़ा उस पर जी दिला का दर्शन वाला आज विकेट हार्ड नहीं रहा था बैट पर आ रहा था हाँ तो उसका मनोबल हमने विनती का स्टेट पर आई जाए और अच्छा कोटो है अगर देखा जाए तो मैं अगर जितने मैच मैंने काफी अच्छा स्कोर है तो किस तरह से अभी आपकी रणनीति गेंदबाजों की रहेगी किस तरह से आपका टीम मैनेजमेंट में क्या क्या ऐसा कुछ डिस्कस नहीं है जस्ट स्टिक टू द बेसिक हमने इतने सेमीफाइनल तक जो भी मैचेस खेले वही उसको ही फॉलो करना है और हमने ऐसा कोई टारगेट हमने रखा नहीं है हम यही सोच कर बॉलिंग करेंगे कि हमारा पहला बॉलिंग तो हमको जितना कम स्कोर है उनको रोक सके वही हमारी कोशिश है और आपके पास एक बहुत बड़ा अनुभवी कप्तान फारूक फुले हैं तो किस तरह से एक अनुभवी कप्तान जो बड़े टूर्नामेंट में आगे आते हैं और इनका कितना सपोर्ट आपको मिलता है फारूक भाई का सपोर्ट काफी पहले से ही है और हम लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं फारूक चार मिलकर डिसीजन लेते हैं ऐसा नहीं है कि फारूक भाई सिर्फ डिसीजन लेते हैं या मैं लेता हूं या सभी लेते हैं सब मिलकर डिस्कस करके ही कोई डिसीजन लेते हैं उनका सपोर्ट सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट बहुत शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज किया और हमारी टीम को हर तरीके से सपोर्ट किया है और हर मैच के बाद उनके मैसेजेस आते हैं कि वेल प्लेड या कभी भी मैच में कुछ गलत होता है तो भी वो सपोर्ट करते हैं बैक करते हैं एवरी प्लेयर को ऐसा नहीं कि जो परफॉर्म करता है उनको बैक करते हैं सबको इक्वली सपोर्ट करते हैं तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूँगा ठीक है ये अपने साथ थे जैसल भाई जिन्होंने काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की देखना चाहेंगे किस तरह से अभी रन को रोक पाते हैं क्योंकि ड्यू मोशन पिच पे रहेगा तो देखना चाहिए टंकर के दर्शन के बल्लेबाज इसको चेस कर पाते हैं या गेंदबाज इनको रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं थैंक यू थैंक यू